पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार जीत व हार के अलावा नेताओं के एक साथ दो सीटों पर लड़ने का रिकॉर्ड बनाते भी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही कांग्रेस की तरफ से पटियाला के साथ उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 के दौरान ये आंकड़ा दोगुना हो गया है, जिसमें पहले अकाली दल के विक्रम मजीठिया द्वारा अपनी पारंपरिक सीट मजीठिया के साथ पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर से चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब के साथ बरनाला जिला की बधौड़ सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। फिरोजपुर के मौजूदा सांसद सुखबीर बादल एक बार फिर जलालाबाद सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मुकाबले में कांग्रेस द्वारा फिरोजपुर के पूर्व सांसद मोहन सिंह फलियावाला को मैदान में उतारा गया है, जो पहले बसपा व आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार जीत व हार के अलावा नेताओं के एक साथ दो सीटों पर लड़ने का रिकॉर्ड बनाते भी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही कांग्रेस की तरफ से पटियाला के साथ उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 के दौरान ये आंकड़ा दोगुना हो गया है, जिसमें पहले अकाली दल के विक्रम मजीठिया द्वारा अपनी पारंपरिक सीट मजीठिया के साथ पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर से चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब के साथ बरनाला जिला की बधौड़ सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। फिरोजपुर के मौजूदा सांसद सुखबीर बादल एक बार फिर जलालाबाद सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मुकाबले में कांग्रेस द्वारा फिरोजपुर के पूर्व सांसद मोहन सिंह फलियावाला को मैदान में उतारा गया है, जो पहले बसपा व आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार जीत व हार के अलावा नेताओं के एक साथ दो सीटों पर लड़ने का रिकॉर्ड बनाते भी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही कांग्रेस की तरफ से पटियाला के साथ उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 के दौरान ये आंकड़ा दोगुना हो गया है, जिसमें पहले अकाली दल के विक्रम मजीठिया द्वारा अपनी पारंपरिक सीट मजीठिया के साथ पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर से चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब के साथ बरनाला जिला की बधौड़ सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। फिरोजपुर के मौजूदा सांसद सुखबीर बादल एक बार फिर जलालाबाद सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मुकाबले में कांग्रेस द्वारा फिरोजपुर के पूर्व सांसद मोहन सिंह फलियावाला को मैदान में उतारा गया है, जो पहले बसपा व आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।